In today's video, we are going to start from question number 5 of exercise 3.3. Class 9th chapter is linear equations in two variables. Now the question is, from the choices, these are the choices. Choices for figure A, choices for figure B, these are the choices. And from the choices given, aapko ye batana hai, these equations represent which of these two graphs. For example, this one is figure A, this one is figure B. और फिगर ए के लिए ये चॉइसेस हैं आपके पास, आपको चेक करना है ये ग्राफ इसमें से किस इक्वेशन के लिए है. एंड लाइकवाइज फॉर दीज इक्वेशंस आपको ये बताना है कि ये ग्राफ इनमें से किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3. विल ट्राई टू फाइंड. फर्स्टली आपको ये देखना है, दिस वन इज द ग्राफ. अब इस ग्राफ में आपके पास the graph passes through points -1, 1, then 0, 0, then 1, -1. अब ये क्वेश्चन सिर्फ चेक करने के लिए, यहाँ पे हमें ग्राफ्स प्लॉट नहीं करने हैं, सिंस वी हैव टू ओनली चेक कि ग्राफ्स किस इक्वेशन के हैं. सो वी विल ट्राई टू यूटिलाइज मिनिमम टाइम, हम कम से कम टाइम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, इतने शॉर्टकट वे से इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की. पॉइंट्स आर -1, 1, देन 0, 0, आफ्टर दैट 1, -1. दिस वन, ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है वो इन थ्री पॉइंट्स से पास कर रही है. अब आपको चेक करना है, फर्स्टली फर्स्ट पार्ट फिगर ए के लिए आपको यहां से चेक करना है. इन फर्स्ट पार्ट वी हैव वाई इक्वल टू एक्स, हम ऐसा भी कह सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई. इट मीन्स अगर आप यहाँ एक्स वन पुट करते हैं वाई विल बी इक्वल टू वन, अगर आप x2 पुट करते हैं y विल बी इक्वल टू 2, x3 पुट करेंगे y विल बी इक्वल टू 3. इट मींस इसके पॉइंट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के, x1 y1 दैट इज 1 1 2 2 3 3. इट मींस x और y दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी. यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे x और y की वैल्यूज इक्वल है, x0 y0, बाकी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है. इट मींस आपका ये जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई हियर. एक पॉइंट पे है, बट तीनों पॉइंट्स में अगर ये क्राइटेरिया होल्ड करता है, एक्स और वाई इक्वल होते, तो हम कह सकते थे दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग दिस वन इक्वेशन, बट ऐसा नहीं है. इट मीन्स ये ग्राफ इस इक्वेशन के लिए नहीं है. सेकेंड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, मैं इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ y इक्वल टू माइनस एक्स. इट मीन्स x और y इक्वल हैं, x एंड y आर इक्वल, बट विद नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ, अगर x वन है, देखना है आपने, अगर x वन है y कितना होगा, y विल बी इक्वल टू माइनस वन, x वन y माइनस वन. अगर x जीरो लेते हैं, इफ x इज जीरो, x0 y will be equal to -0, -0 means again 0, x0 y0. अब आप तीसरा पॉइंट चेक करेंगे, x माइनस वन लेके, इफ x इज माइनस वन, y will be equal to, अब y कितना होगा, अगर x माइनस वन है y will be equal to माइनस, ये माइनस एज इट इज, x हम माइनस वन ले रहे हैं, यहां आपके पास प्लस वन बन जाएगा, मतलब y कितना बन जाएगा प्लस वन, x आपने माइनस वन लिया, y बन गया प्लस वन, माइनस वन वन, दिस वन जीरो जीरो, दिस वन एंड x वन माइनस वन. इट मीन्स ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आपके इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट्स वाई दिस वन सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू जीरो इज रिप्रेजेंटिंग फिगर ए. आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स फिगर ए. इसको हमने चेक कर लिया, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, ये रिप्रेजेंट कर रही है. नाउ नेक्स्ट वन को भी चेक करके देखेंगे. नेक्स्ट इज वाई इक्वल टू टू एक्स, वाई इक्वल टू टू एक्स. इसमें आपके पास ऐसा होगा, फिर से चेक करिए, एक्स जीरो पुट करके देखिए, अगर एक्स जीरो पुट करते हैं वाई विल बी टू इंटू जीरो, वाई भी जीरो होगा, ये पॉइंट तो ठीक है. उसके बाद एक्स आप कोई भी
माइनस वन पुट करके देखते हैं, अगर मैं एक्स माइनस वन पुट करता हूँ, टू इंटू माइनस वन इट विल बी माइनस टू, एक्स माइनस वन पुट करेंगे वाई विल बी माइनस टू, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे एक्स माइनस वन वाई माइनस टू, यहाँ पे ऐसा लेंगे, दैट्स वाई ये जो लाइन है ये भी हमारे ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, सिंपली टू प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन, सेवन एक्स। अगर आप इसको चेक करके देखते हैं, आप कोई एक पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके देखें, पहले फर्स्टली हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है देन नेक्स्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेटिस्फाई होती है देन नेक्स्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर कोई एक भी ऐसा है जो सेटिस्फाई नहीं करता है फिर बाकी को चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। आप एक्स जीरो पुट करके देखिए, एक्स अगर एक्स जीरो और वाई जीरो ये पुट करके देखेंगे, वाई जीरो एक्स जीरो थ्री इंटू जीरो, जीरो प्लस टू, टू होगा टू इक्वल टू जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुई, हमने ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुई, इट मींस दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग दिस ग्राफ, इसका मतलब ये इक्वेशन इस ग्राफ की नहीं है, एक ही इक्वेशन थी इस ग्राफ की वो हमने चेक कर लिया। देन फिगर बी के लिए चेक करेंगे, इन फिगर बी द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट्स, किस किस पॉइंट से पास कर रही है आपकी ये लाइन, इस पॉइंट पे एक्स माइनस वन है वाई थ्री, आप देखेंगे वन टू थ्री पॉइंट्स, थ्री पॉइंट से आपकी ये लाइन पास कर रही है, फर्स्ट पॉइंट इज एक्स माइनस वन वाई थ्री, एक्स माइनस वन वाई थ्री, सेकेंड पॉइंट इज एक्स जीरो वाई टू, एंड थर्ड वन इज दिस वन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स टू वाई जीरो, जब आप बुक देखेंगे तो बुक पे ऑलरेडी मेंशन है ये कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई जीरो दिस वन। नाउ वी हैव टू चेक फ्रॉम दीज इक्वेशंस, इनमें से कौन सी इक्वेशन आपके इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वेरी सिंपल, आप फर्स्टली कोई एक कोऑर्डिनेट लेके चेक करेंगे, अगर सेटिस्फाई करता है देन सेकेंड वन देन थर्ड वन, ऐसे तो मैं फर्स्टली यहाँ से स्टार्ट करूँगा, हेयर एक्स जीरो एंड वाई इज वन, x जीरो y वन, मैं फर्स्टली ये इक्वेशन ले रहा हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस टू, यहाँ जीरो है थोड़ा सिंपल रहेगा चेक करना, माइनस वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ये चेक हो जाता है फिर दूसरे पे जाएंगे, वो भी चेक हो जाता है फिर थर्ड पे जाएंगे, x जीरो y टू, मैंने x जीरो सब्स्टिट्यूट किया y टू सब्स्टिट्यूट किया, टू इक्वल टू जीरो प्लस टू, जीरो प्लस टू इज टू, टू इक्वल टू टू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, इट मीन्स इसको सेटिस्फाई कर रही है, देन इसको चेक करके देखेंगे एक्स टू वाई जीरो, एक्स टू वाई जीरो यही वाई जीरो एक्स टू प्लस टू, सेकेंड पॉइंट को चेक कर रहा हूँ, एक्स टू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वाई जीरो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, वाई जीरो एक्स इज टू प्लस टू, नाउ जीरो इज इक्वल टू फोर, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये हुआ दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये पॉइंट आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता इट मीन्स आपकी ये जो इक्वेशन है वो इस ग्राफ के लिए नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट को चेक करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, अगेन मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, एक्स जीरो वाई टू, y2 पुट कर रहा हूँ, x0 पुट कर रहा हूँ, x0 y2, x0 y2, चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती हैं या नहीं होती हैं, 0 माइनस टू इज माइनस टू, ना 2 इक्वल टू माइनस टू, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है इट मीन्स आपका ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये इक्वेशन भी इस ग्राफ के लिए नहीं है। देन नेक्स्ट y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, अगेन मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट यहां से भी कर सकते हैं, मैं सोच रहा हूं नेगेटिव साइन को ना सब्स्टिट्यूट करो पहले, ओके जीरो टू एक्स जीरो y टू, यहां लिखा y टू, यहां लिखा x जीरो प्लस टू, जीरो प्लस टू जीरो ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू राइट हैंड साइड, एक पॉइंट ने सेटिस्फाई किया, नाउ सेकंड पॉइंट x2 y0, यही लिखूंगा y की जगह 0 x, x लिखेंगे 2, ये माइनस साइन x2 प्लस 2, 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 इज 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे सब्स्टिट्यूट करके x माइनस 1 y3, यहां y3 ये माइनस एज इट इज, नाउ x इज माइनस 1 तो x की जगह मैं लिख रहा हूं माइनस 1 प्लस 2, y की जगह 3 लिखा, x की जगह माइनस 1 लिखा, नाउ माइनस और माइनस के साथ ये प्लस साइन आएगा, 3 इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस ऑल द 3 पॉइंट्स ऑफ दिस ग्राफ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू कैन राइट y इक्वल टू x माइनस 2 रिप्रेजेंट्स फिगर बी। आपकी ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन फिगर बी को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको भी चेक करेंगे। बस एक बात ध्यान में रखनी है, चेक करने का एक ही तरीका है, वन बाय वन आप सारे पॉइंट्स को चेक करें कि ये पॉइंट्स आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं करता देन सेकेंड और थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेटिस्फाई करता है तो सेकंड को भी चेक करो, अगर सेकंड चेक नहीं करता तब भी थर्ड नहीं करना चेक, हाँ फर्स्ट और सेकंड अगर दोनों चेक कर सेटिस्फाई करते हैं देन थर्ड भी चेक करके देखना है, अगर तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे देन यू कैन से दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स दिस इक्वेशन, या फिर दिस इक्वेशन इज रिगार्डिंग दिस ग्राफ। ओके एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, ये लेंगे फर्स्टली एक्स जीरो वाई टू, एक्स की जगह जीरो लिखूंगा, टू इंटू वाई की जगह टू लिखूंगा, फर्स्टली जीरो प्लस टू नहीं करना है, फर्स्टली मल्टीप्लीकेशन होगी, जीरो प्लस टू इंटू टू फोर, नाउ जीरो प्लस फोर इज इक्वल टू फोर, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इसका मतलब ये हुआ दिस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट फिगर बी। तो ये हमने सारे पार्ट्स चेक कर लिए, कौन कौन सी इक्वेशंस इन फिगर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिए, नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, what is question number 6? Question number 6 is, if the work done by a body on the application of a constant force is directly proportional to distance traveled by the body, question hai ki agar work done on the application of force is directly proportional to the distance traveled, matlab ye hua work is directly proportional to distance, हमने एक फोर्स लगाई बॉडी पे, फोर्स लगाने के बाद जितने वर्क हुआ दैट वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल कर रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कॉन्स्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, आपको ग्राफ भी इसका ड्रॉ करना है बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स, फोर्स को आपको 5 यूनिट्स लेना है, मैं ऐसा करूंगा फर्स्टली फोर्स को मैंने लिख दिया फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यहाँ पे दो पार्ट गिवन है, इन फर्स्ट पार्ट वर्क डन इज 2 यूनिट्स एंड इन सेकेंड पार्ट वर्क डन इज 0 यूनिट, हमें दो पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व करने हैं। हमने ऐसा किया, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमने वर्क किया यहाँ पे, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि हमारे पास जो वर्क है वर्क और डिस्टेंस को हमने कुछ भी यहाँ पे सपोज कर लेना है, लेट
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बी एक्सीलेंस आर्ट, वर्क डन बी 5 यूनिट्स, सॉरी 5 यूनिट्स, ये हमने रिस्पॉन्स किया. क्वेश्चन इज एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो हमने वर्क को भी यहाँ पे एज्यूम किया, हमने डिस्टेंस को भी यहाँ पे एज्यूम किया, वर्क को हमने वाई यूनिट्स एज्यूम किया और डिस्टेंस को हमने यहाँ पे एक्स यूनिट्स एज्यूम किया. नाउ वी नो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू, जनरली हम डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं बट यहाँ पे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे मैथमेटिक्स में. प्रेजेंटली हम सिर्फ वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस लिख के चल रहे हैं. नाउ व्हाट इज वर्क हियर, वर्क इज वाई यूनिट्स, फोर्स इज 5 यूनिट्स, इनटू डिस्टेंस इज एक्स यूनिट्स. सो वाई इक्वल टू 5x, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है. मैं इसी इक्वेशन को y माइनस 5x इक्वल टू 0 करके भी लिख सकता हूँ. दिस इज नो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स. तो वो बाद में देखेंगे. फर्स्टली हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच इसी इक्वेशन को यूज करके वी विल प्लॉट अ ग्राफ. नाउ हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, पिछले वीडियोस में हमने सीखा है सारे के सारे पॉइंट्स को 1/2, 1/1 सब्स्टिट्यूट करना. यहां मैं 1/1 सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व नहीं करूंगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट यूज करूंगा, अदरवाइज यू कैन सॉल्व. जैसे पिछले पार्ट्स में आपने पूरे पॉइंट्स को सॉल्व करके टेबल में वैल्यूज मेंशन की, वैसे ही इसमें भी करना है. इफ एक्स इक्वल टू 0, x = 0, अगर मैं एक्स 0 लेता हूँ, वाई विल बी 5 × x मीन्स 5 × 0, वाई विल बी 0. इफ एक्स इक्वल टू 1, अगर मैं एक्स 1 लेता हूँ, वाई विल बी, वाई कितना होगा, 5 × 1, 5. इफ एक्स इक्वल टू 2, अगर x 2 लेता हूँ, y विल बी 5 × 2, दैट इज 10. ऐसा होगा. नाउ ग्राफ, नेगेटिव वैल्यू नहीं है यहां तो भी कोई. ओके तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 आप ऐसे लेके चल सकते हैं, या फिर यू हैव वन मोर ऑप्शन. 10 तक जाने के लिए ग्राफ शीट पे तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप ऐसा करेंगे, एक बॉक्स को 2 रख लें, 2, 4, 6, 8, 10. यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8, 10. अगर एक बॉक्स को 2 रखेंगे तो उस बॉक्स का जो हाफ होगा दैट विल बी हाफ ऑफ 2, मतलब 1 होगा. x0 y0, दिस इज ओरिजिन, x0 y0, x1 y5. अब 1 का होगा x1, ये x एक्सिस है आपकी, ये y एक्सिस है. x1 मीन 0 और 2 के बिल्कुल सेंटर में, हाफ में, ये 1 होगा x1 एंड y इज 5. अब 5 कहाँ पे होगा, दिस वन इज 4, दिस वन इज 6, 4 और 6 के सेंटर में दिस वन, x1 0 और 2 के सेंटर में, x1 y5, 5 मीन्स 4 और 6 के बीच में, लिख देता हूँ यहाँ पे 5, दिस वन इज 5. x2 y10, दिस वन इज x2 y10, अपवर्ड, x2 y10, दिस वन इज x1 y5. ज्वाइन करेंगे इनको, दिस वन इज अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. सेम ग्राफ जब आप ग्राफ शीट पे ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड द ग्राफ, और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जब आप
ये जो पॉइंट्स यहाँ पे बोले, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is, जब distance 2 units होगा, here distance is x. एक बात और आपने ध्यान रखनी है, मैथमेटिक्स में आपने एक कॉन्सेप्ट और सीख लिया, यहाँ पे x zero y zero, x is distance, y is work. It means जब डिस्टेंस जीरो है वर्क भी जीरो. साइंस कहती है ऐसा, जब बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई है देन नो वर्क इज डन ऑन द बॉडी. साइंस में ऐसा ही कंसिडर किया जाता है, व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी देन नो वर्क इज डन बाय द बॉडी. ओके, नेक्स्ट वन इज, यहाँ कह रहे हैं रीड फ्रॉम द ग्राफ, आपको ग्राफ में से रीड करना है. वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 units, डिस्टेंस 2, ये तो हमने यहाँ पे भी देख लिया, जब डिस्टेंस 2 है वर्क कितना है, डिस्टेंस मतलब एक्स जब 2 है तो वर्क मतलब वाई कितना होगा, तो वाई इसके सामने 10 ही है, ये तो आपने देखा अभी. और सेकंड पार्ट में एक चीज़ और बोली है, जब डिस्टेंस जीरो है, जब डिस्टेंस जीरो है तो वर्क कितना होगा, व्हेन डिस्टेंस इज जीरो वर्क इज आल्सो जीरो, ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, डिस्टेंस जीरो वर्क जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल, दो स्टूडेंट्स हैं, इनका नाम यामिनी मेंशन है, दूसरी का फातिमा, क्लास 9th की स्टूडेंट्स हैं. कंट्रीब्यूटेड टुगेदर, कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स. अब इन दोनों स्टूडेंट्स ने मिलके ₹100 कंट्रीब्यूट किए टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, अर्थक्वेक विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए. राइट अ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम दिस डेटा, और ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए बोला हुआ. आप ऐसा करेंगे, लेट यामिनीज कंट्रीब्यूशन बी रुपीज एक्स सपोज कर लें, एंड फातिमाज कॉन्ट्रीब्यूशन बी रुपीज वाई. सपोज इसने एक्स रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए और इसने वाई रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए, सपोज कर रहे हैं. देखो नाउ क्वेश्चन इज, यामिनी एंड फातिमा टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 100, दोनों ने मिलके ₹100 कॉन्ट्रीब्यूट किए. जब दोनों ने मिलके ₹100 कॉन्ट्रीब्यूट किए देन वी कैन से यामिनीज कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स रुपीज प्लस फातिमाज कॉन्ट्रीब्यूशन वाई रुपीज इक्वल टू ₹100. अब इसी इंफॉर्मेशन को लेके आपको ग्राफ प्लॉट करना है. इक्वेशन तो हमने बना दी, दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन. नाउ हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, तो ग्राफ के लिए आप ऐसा करेंगे, इट विल बी 100 माइनस एक्स. अब इसको भी मैं सिर्फ वैल्यूज टेबल पे लिख दूंगा, आप खुद उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ग्राफ भी खुद प्लॉट करेंगे इनका एक्स वाई. अब यहाँ अगर आप एक्स वन पुट करते हैं वाई विल बी 100 माइनस वन दैट इज 99, बहुत गैप हो जाएगा दोनों के बीच. अगर आप एक्स टू पुट करते हैं वाई विल बी 100 माइनस टू दैट इज 98, एक वैल्यू 1 आ रही है, एक वैल्यू 99 आ रही है, एक वैल्यू 2 आ रही है, दूसरी वैल्यू 98 आ रही है, बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच. तो आप ऐसा करेंगे एक्स आप 10 ले लें, देन 20 ले लें, देन 30 ले लें. इफ एक्स इज 20, आप 30 40 50 भी ले सकते हैं, आप 50 60 70 भी ले सकते हैं. एक्स 10 वाई विल बी 100 माइनस 10 90, एक्स 20 वाई विल बी 100 माइनस 20 80, एक्स 30 वाई 100 माइनस 30 70. अब यहाँ जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपने ग्राफ खुद प्लॉट करना है, मैं पॉइंट्स को खुद लोकेट करेंगे, आप मैं आइडिया दे देता हूँ. अब यहाँ आपको ग्राफ को 1 2 3 या 2 4 6 में लेने की ज़रूरत नहीं है, 90 वैल्यू है, 80 वैल्यू. आप ऐसा करेंगे, यहाँ आप एक बॉक्स को 10 लेंगे, 10 देन 20 देन 30 40 50 60 70 80 ऐसे चलेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही. आप 20 भी लेके चल सकते हैं, एक बॉक्स को 20 लेंगे, दूसरे को 40 60 80, तो ऐसे कोई भी आप वैल्यूज लेके इनको प्लॉट करके यू कैन ड्रा द ग्राफ.
नाउ अब इस एक्सरसाइज का आपके पास एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, वहां पे हम डिग्री सेल्सियस सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल की जो इंटर कन्वर्शन है वो हम करेंगे। दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको नेक्स्ट वीडियो को भी देखना है, यहाँ तक कि जितनी एक्सरसाइज हुई है आप सॉल्व कर लें, आप अपनी नोटबुक्स मेंटेन करते जाएं। वी आर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी एक्सरसाइज, और आई होप आपको ये क्लियर भी हो रहे होंगे। बट आई हैव नोटिस्ड कि स्टूडेंट्स बहुत कम वीडियोज़ देख रहे हैं इन दिनों, पिछले 3-4 दिन से। तो आपको ये वीडियोज़ देखनी चाहिए, आपको नोटबुक मेंटेन करनी चाहिए। थैंक यू।